1938 ईस्वी में मुस्लिम लीग में शामिल थियो। संदस शमूलियत सां लीग में एक नओं रूह पइजी वियो। 1940 जे लाहौर करारदाद खां 2 साल अॻु कराची में घुरायल मुस्लिम लीग कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान जे हक़ में ठहराउ पेश कयाई। चयो वञे थो त इहो ठहराउ पीर अली मुहम्मद राशिदी ऐं शेख अब्दुल मजीद सिंधी गॾिजी ड्राफ्ट कयो हो ऐं मोहम्मद अली जिन्ना ऐं ॿियनि अॻुवाणनि जी मौजूदगी में शेख अब्दुल मजीद सिंधी पाकिस्तान जे हक़ में पहिरियों ठहराउ मंज़ूर कराइण में कामयाबु थियो। 40 जे ॾहाके में पाण सालखन मीर बंदह अली वज़ारत में पहिरें नाणे ऐं पोइ तालीम जो वज़ीर रहियो। जॾहिं मुस्लिम लीग वास्ते पंहिंजी आइडियोलॉजीअ में तब्दीली आंदी, कराचीअ जी 1938 जी कॉन्फ्रेंस मुस्लिम लीग जी कॉन्फ्रेंस थी, उन में रेज़ोल्यूशन नंबर 5 जेको मशहूरु आहे त पाकिस्तान जी जेका 40 जी करारदाद आला हो उहो बुनियादी आइडिया हैदर मुस्लिम लीग जे रेज़ोल्यूशन नंबर 5 करारदाद नंबर 5 कराची जी जेका कॉन्फ्रेंस आहे उन में थियो। उहो शेख अब्दुल मजीद ड्राफ्ट कयो ऐं पढ़ियो। इहो यादि रहे। अली मोहम्मद शाह राशिदी ऐं शेख अब्दुल मजीद गॾिजी लिखियो ऐं शेख अब्दुल मजीद पेश कयो इन कॉन्फ्रेंस में। जिन्ना साहब कोन पिया चाहियो पर ही पढ़ी पेश करे विया हलिया। त इहो बि रहे त पाकिस्तान जी शुरूआती जेको ॾाके जो मुस्लिम लीग खे जे तरफ़ जीअं ई शेख साहिबु डाइवर्ट थियो त वरी सख़्तु मुस्लिम लीग ई थियो। पर 42-43 जे अंदरि जंहिं वक़्तु 42-43 जे अंदरि ई हुनखे महसूसु थियो त मुस्लिम लीग हीअ असां सां ठगी पई करे ऐं हीअ असांखे वरी ऑल इंडिया मफ़ादनि में वरी खणी पई वञणु चाहे। असांजे का बि अहमियत कान त पोइ अॻियां हली वरी 43 में ई वरी हुन मुस्लिम लीग तां इस्तीफ़ा ॾेई छॾियो। उन वक़्त जे चीफ मिनिस्टर जो नालो मूंखे कोन थो अचे। उन्हनि शेख साहिब खे सॾे चयो की शेख साहिब इहे त तव्हां असांजा पंहिंजा हाणे दर बंदि पिया करो, मीर बंदा अली, त इहे असांजा पंहिंजा दर असां तव्हां बंदि पिया करो, असांजा माण्हू इहे मिनिस्टर जेके आहिनि इन्हनि खे आख़िर ख़ुशि रखिणो आहे, न त इहे त केरु असां वटि मिनिस्टर ई कोन रहंदो। त शेख साहिब चयो पोइ मूंखे खणी इजाज़त ॾियो तव्हां इन पर्पज़ जे लाइ को ॿियो मिनिस्टर रखो। त शेख साहिब मुश्किल सां मुंहिंजे ख़्याल में 5 या 6 महीना उहा मिनिस्ट्री संभाली हूंदी। 1948 ईस्वी में शेख अब्दुल मजीद सिंधी साईं जीएम सैयद सां गॾिजी नए क़ाइमु थियलु पाकिस्तान जी सियासी क़यादत खे नए मुल्क जी तामीर में ग़ैर मशरूत ताउन जी आछ कई, पर खेन उन ताउन जी आछ खे ॿुधो अणॿुधो कयो वियो। 1949 ईस्वी में आल पाकिस्तान अवामी जमात ख़ान अब्दुल गफ़ार ख़ान जी अॻुवाणी में ठही त उन जी सिंध शाख जो खेसि सदर चूंडियो वियो। 1953 ईस्वी में सिंध असेंबली जे चूंडुनि भेरे अवामी महाज जमात ठही त उन जो बि सरबराह खेसि ई चूंडियो वियो। मूंखे वॾो फ़ख्रु आहे की ख़ान अब्दुल गफ़ार ख़ान जेको कंहिंजे घरु अॼु ताईं न को रहंदो हो न को कॾहिं कुझु खाईंदो हो, उहो शेख साहिब वटि ज़रूरु रहंदो बि हो ऐं जेकॾहिं शेख साहिब हुनखे कुझु अॻियां रखंदो हो त उहो क़बूल बि कंदो हो। ऐं मूंखे वॾो फ़ख्रु आहे की आऊं पाण उन सां रूबरू कई दफ़ा मुलाक़ातूं मुंहिंजूं रहियूं आहिनि ख़ान अब्दुल गफ़ार ख़ान साहब सां। शेख साहिब जेको हो सो उन जो नेशनल अवामी पार्टी सां तालुक़ु हो ऐं उहे सिंध जा प्रेज़िडेंट हुआ ख़ान अब्दुल गफ़ार ख़ान जे वक़्त में, पर पोइ अॻिते हली इन्हनि जी पाण में अलहदगी थी ऐं शेख साहिब जेको आहे सो मौलाना भाषानी खे जॉइन कयो। 1954 ईस्वी में सिंध जी सूबाई हैसियत ख़तमु करे उनखे ज़ोरी पंजाब सां मिलाए 1 यूनिट ठाहियो वियो त शेख साहिब खे पुराणा फट यादि पइजी विया। सिंध जी बम्बई खां आज़ादी जी वेढ़ जो सरवाण हिकु दफ़ो ॿीहर सिंध हड़प करण वारी साज़िश ख़िलाफ़ उथी खड़ो थियो ऐं खेसि 1 यूनिट मुख़ालिफ़ महाज जी सिंध शाख जो सरबराह चूंडियो वियो। शेख अब्दुल मजीद सिंधी पंहिंजी सियासी, सहाफ़ती ऐं निजी ज़िंदगी में हमेशह जिदोजहद जी अलामत रहियो। हुन मुआशी नाहमवारनि, मज़हबी तासुब ऐं मतभेद, क़ौमी ग़ुलामी जे ज़ंजीरुनि खे टोड़णु, बुख ऐं अफ़लास खे भॼाए कढणु, पंहिंजनि उसूलनि ते अटल रहणु ऐं क़ौमुनि जे हक़नि जी हिफ़ाज़त लाइ हर दौर में जिदोजहद जारी रखी। शेख सिंधी जेकॾहिं चाहिनि हा त माल मिल्कियतूं, बंगला, माड़ियूं सभु कुझु ठाहे पई सघिया, पर उन्हनि सभिनी शयुनि खे अहमियत न ॾिनी। बावजूद जे ख़ज़ाने जो मिनिस्टर हुअण जे बि मानी संदन घर वारी पाण पचाईंदी हुई। संदन ॿार सरकारी कार जे बजाए टांगे में स्कूल वेंदा हुआ। शेख साहिब जी त मिनिस्टर थियण खां पोइ बि इहा पोजीशन हुई जो गाॾी उनखे मिली तो ॿार चवंदा असांखे स्कूल गाॾी छॾे अचे त चवंदा न पंहिंजी साइकिल ते वञो। उहे वञी साइकिल ते स्कूल पहुचंदा, पर शेख साहिब गाॾी इस्तेमालु कोन करणु ॾींदा हुआ। त शेख साहिब जा पंहिंजा हिकिड़ा उसूल हुआ, मुंहिंजे ख़्याल में उहा उन्हनि जी सचाई हुई जेका अॼु असां सम्झूं था ऐं उन ते फ़ख्र बि करूं था। पाकिस्तान जॾहिं कोन ठहियो तॾहिं वज़ीर बि थिया हुआ ज़रात खाते ते, जंहिं ॿियो छा छा
होंगी हुई सरकारी गाड़ी मिली हुई मुझी इलाही इज्जत होंगी उनमें वहाँ के लिफ्ट ना उनमें घुमा ना ये गंदी है इनके ना हथ लै जाए ये खराब है ना तू बीमार थी वी ना नौकर के चवन इनके वी अस खटारा जी कारी गाड़ी होंगी हुई नंबी सी इनमें वी वन वही घुम उनमें अस उनकी सहाफती जिंदगी की इब्तिदा सिंध की हफ्तेवार अखबार अल हक से थे थी उन बाद 1915 ईस्वी में खेस रईस गुलाम घुरगड़ी तरफा संदस अखबार अल अमीन की चार्ज सौंपी वही 1920 का रोजाना अल वही से वाबस्तगी सबब सहाफती वास्तो 1956 तक रहस उन कालम निगार की हैसियत में सहाफत की सार संभाल रखो आ अल अमीन अल हक अल वहीद में लिखण के करे शेख सिंधी कई भेरा चयल पे सालन जा साल जेल में रहो साहब की खिदमतों के जिस में कें सिंधी सहाफी जो जेल में तकलीफों सहन जो यो एक वो मिसाल है जो शेख सिंधी के नसीब थो अल वहीद की जी पॉलिसी हुई वह वन यूथ के खिलाफ हुई थो जो अल वहीद ते कोई 6000 रुपया कर्ज हो सिंध प्रमर्शियल बैंक जो उन जमाने में मरहूम खोड़ो जो हो सो वजीर आला हुयो उन्हीं कर्ज में अल वहीद लीलाम थी वही सजो जी लीलाम थे पई तदें मां भी मौजूद हुयो सा शेख अब्दुल मजीद सिंधी भी मौजूद हुया दीमान साहब अली जो जनरल मैनेजर हो भी मौजूद हुया ही हफीज लाखो जो हाने माना सुप्रीम कोर्ट जो एडवोकेट आ ये भी उते चार मानों सा वेठा हुयासे तो वाक थी वह अखबार जो दफ्तर माना मशीनर जो सब लीलाम थी व्यू माखी ढो दुख थो उन अल वहीद वो सिंध जो अदारो हो जो बहरियाँ अंदरूनी सिंध में मू छोक इंदा हा तालीम वा हा नौकरू भी कंदा हा अल वहीद जी उन्हीं जमाने में चवंदा हा तो सिंध माना अल वहीद अल वहीद माना सिंध शेख अब्दुल मजीद सिंधी पंजी पूरी जमार गरीब मानुन जे भले लाए वक्फ करे छड़ी हुई वो खुद गरीब घराने जो फर्त हो इन करे खेस गरीबन सा तमाम घनी हमदर्दी हुई समाजी तंजीमुन में हिस्सो वठन का सिवाय शेख सिंधी हमेशा समाज सुधारन जे सिलसिले में कलमी जिहाद कयो जै भी अखबार में रहो उनमें पंजन तहरीरुन जरिए समाज सुधारण की मुहिम जारी रखी उन तकरीरी तहरीर जो रुख कौम के अखलाक किरदार का सिवाय कौमी कैरेक्टर के ठाण ला मोड़े छो उन मकसद के लिए शेख सिंधी अल वहीद में कई मजमून लिखा संदस ये मजमून सिंध की तारीख जो रोशन बाब है जैसे कचहर थी हुई कागार बुझे कज पुछज शेख साहब वनबो मूं एक दफो इो भी इरादो कयो तो शेख साहब जी जिंदगी जो हवाल लिखा पर मूं चयो खांस पुछी लिखा तंहिंजे करे मूं पन्नो पेंसिल खणी वञी वेठुसि हुन मूंखे लिखाइणु शुरू कयो हिकिड़ी पहिरीं निश्चित जेका तंहिंमें जेकी मूं लिखियो थियो ओतिरी वधीक कोन लिखी सघियुसि उहो मूं छपाए छॾियो आहे उहो छपियलु आहे उहो हिकिड़ो लाजवाब माण्हू हो सिंध जो वॾो ख़ैर खां ऐं पछाड़ी ताईं का बि अपॉइंटमेंट गवर्नमेंट खां कान वरिताईं वॾे में वॾो लीडर हो जंहिं पाकिस्तान खे क़ाइमु कयो ईअं चवण हलियो शेख अब्दुल मजीद सिंधी जो मज़हब इस्लाम बाबति तसवुर आम मौलवियुनि खां बिना मुख़्तलिफ़ हुयो हू कंहिं मज़हबी स्कॉलर वांगुरु जंहिं मज़हब जी अफ़ादियत ऐं अहमियत बयानु कंदो हो त मज़हब बाबति तसवुर पाण मुरादो क्लियर थी वेंदो हो मूं हुन खां हिकिड़ो सुवाल पुछियो हो रोज़े जे बारे में पंहिंजे जवानी में त उन लाइ हुननि मूंखे घटि में घटि हिकु कलाक जो लेक्चर ॾिनो रोज़े ते त उन मुंहिंजो सॼो मज़हब जे बारे में कंसेप्ट क्लियर करे छॾियो मज़हब मां हू पूरी तरह वाक़ुफ़ हो हिकिड़े मुले वांगुरु न पर हिकिड़े स्कॉलर वांगुरु हिते हैदर मंज़िल ते हुननि जो अचणु वञणु थींदो हो जॾहिं साईं जी एम सैद ईंदो हो ॻोठां त पोइ हुते शेख साहब ईंदो हो ऐं घणो करे साईं हुनखे गाॾी मोकिलींदो हो उन में ईंदो हो ऐं वरी हुनखे गाॾी छॾणु वेंदी हुई छो जो हिकिड़े भेरे साईं हुन सां शिकायत कई शेख साहब आउं अॻे दफ़े आयुसि तव्हीं मिलण बि कोन आया
इन मजा ऐसो तो केतो सचो इंसान हो जो साई के चई शाह साहब दरअसल गाल सची ये है जो रक्षा में चढ़ने लाए या टैक्सी में वेहन लाए तो मुट पैसा को बस में आ न सो वेही सकां जो ट्रेवल कर सकां इन करे मुख्य खबर पई तभी इतने आयो पर आऊँ को आयस। जाती जिंदगी में शेख अब्दुल मजीद सिंधी कहीं मदद वठन पसंद न कंदो संदस उथी वेठी बरेसगीर के चोटी के सियासतदान वडन मानू सा होंदी हुई पर संदस सादी रहनी कहनी कदें भी मुतासर न थी बावजूद एडी कदावर शख्सियत के कदें भी हठ वडाई न कयाऊँ मिलण जुलण में आम ए खास बिन्हीं सा साग्यो रवैयो रखंदा हुआ गुर्बत सबब पंजे औलाद के वडन स्कूलन बदरा आम स्कूलन में तालीम दियारियाई संदस सियासी सहाफती ए घरू जिंदगी बाबत जैसे संदन औलाद का सवाल पूछा वह तारीख़ साज शख्सियत मुतलिक उन्हें पंजी यादगिरी में सांझल सारोणियों हिं बयान क्यों मौला बख्श सुमरो साहब इलाही बख्श सुमरे साहब जो वालद ये वालिद साहब इलाही इंदा हुआ संदन मिशन सिविल हॉस्पिटल वाली जाए थे काफ़ी काफ़ी देर वेहंदा हुआ ए बाबा सा इलाही उन्होंने कुर्बत हुई अड़ी तरीके से हिसामदीन शाह राशदी साहब उहे भी इंदा कलाकन जा कलाक शेख साहब सा वेठा हूँ साईं जीएम सईद जी तो अड़ी हालत होंगी जो ये एक बे से सजे ढी में न मिलन तो वो ढी गुजरों ही को या शेख साहब वट साई अची वा या साई पाँच गाड़ी दियारे मोकिलींदा जैमें शेख साहब साई जीएम सईद के हैदर मंजिल से पहुंची वा भुट्टे साहब सा असो वास्तो कदें रो को पर शेख साहब जी जैसे बीमारी ए आखिरी वक्त आयो तो भुट्टे साहब शेख साहब जी काफ़ी पोवारी कई शेख साहब वट डिप्टी कमिश्नर के मोकलींदा हुआ कि वही उनकी तबियत के बारे में पूछी अचो शेख साहब के का प्रॉब्लम हो उन बारे में पूछी अचो मुझी वालदा जो है सा जाहिर है जो औरत सजे घर के दिसे थी संभाले थी तो उन्हें किस्म जो सहूलतूँ भी जैसे दरकार होंदियों जो बाबा साईं शायद दई नथे सकिया सवाए सुठन लफ्ज़न के प्यार के लफ्ज़न के तो उन्हें में वह चिड़ंदी हुई ए चवंदी कि ये किताबन से अखबारन से जो एडो खर्चो करें तू आणी तो जमा करी तो ये आऊँ फाड़े फिटी कर छंदस न तो इन पाँगी जाए तो कितने वही बी जाए रख यो अक्सर थो भुट्टो जो हो उन मरहूम बाबा से इलाही प्यार रखी कई पर बाबा तांके हमेशा परे रखे। 24 मई 1978 ईस्वी अरबा दिन सुबह जो पौने 7 बजे सिविल अस्पताल हैदराबाद के प्राइवेट वार्ड के 14 नंबर कमरे में बरेसगीर के 90 साल तारीख के एक बाब की पुजाणी शेख अब्दुल मजीद सिंधी के इन फानी दुनिया में लाडाणे से थी। इन खिते के मानून की बदकिस्मती चाहिए या तकदीर की सितम जरीफी जो इन खिते के मुस्तकबिल के फैसलन में संदन राय के नरगो शामिल न कयो वो पर खेस एतरो तंग हिरासा कयो वो जो तारीख की इन बेदाग शख्सियत के नेठ गोशे नशीनी की जिंदगी अख्तियार करो।